हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है जितने भी थ्योरम थे उन सबको कंप्लीट कर लिए थे। आज एक एक थ्योरम पर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें चित्र में इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में, जिसे हम लोग RL मान लेते हैं जो कि लोड रेजिस्टेंस है, इसमें जो है हमको करंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें सुपर पोजिशन थ्योरम से RL में करंट निकालेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ा था। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम का उपयोग करके RL में करंट निकालेंगे, या पावर भी निकाल सकते हैं उससे। इसके बाद जो है थेवेनिन का प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसी सर्किट पर, और इसी सर्किट पर नॉर्टन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग सीखेंगे कि करंट को कैसे निकाला जाता है और पावर लॉस को कैसे निकाला जाता है किसी प्रतिरोध में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो है देखिए दोस्तों, सबसे पहले सुपर पोजिशन थ्योरम का हम लोग उपयोग करेंगे। तो सुपर पोजिशन थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि किसी लोड प्रतिरोध या किसी परिपथ की किसी शाखा में भेजी गई धारा अलग अलग स्रोतों की अलग अलग भेजी गई धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही सुपर पोजिशन थ्योरम था हमारा। तो सबसे पहले हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम निकालने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि E1 है, ये E2 है। तो सुपर पोजिशन थ्योरम से जो है इसमें धारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक स्रोत से, पर्टिकुलर सोर्स से इसमें कितना करंट आ रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो दूसरे को उसके दरमियान जो है डीएक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस 6 वोल्ट की बैटरी से इसमें कितना करंट आ रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो इस समय हम लोग E1 को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो डीएक्टिवेट करने का रूल क्या है, अगर वह वोल्टेज स्रोत है वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट कर देते हैं, और करंट स्रोत है तो उसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ हमारा 3 वोल्ट का बैटरी है जो कि एक वोल्टेज स्रोत है, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे और इसको एक्टिव कर देंगे, इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो सर्किट कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको डीएक्टिवेट करने का मतलब इसको शॉर्ट कर देंगे। ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा 6 वोल्ट का बैटरी हो गया, और ये रहा लोड 10 ओम का, ये 6 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर जो E1 था उसको हम लोग शॉर्ट कर दिए हैं, क्योंकि हमको केवल 6 वोल्ट की बैटरी से पहले जो इसमें करंट आ रहा है इसको निकालेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसमें I1 करंट ये बैटरी भेज रहा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ जो बैटरी के अक्रॉस रेजिस्टेंस आ रहा है उसको रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए दोस्तों, ये 6 ओम और ये 10 ओम आपस में कैसे है, श्रेणी क्रम में है, और फिर इधर ये 3 ओम बैटरी के पैरेलल में है। तो ये 3 ओम बैटरी के पैरेलल में है, तो हमको करंट केवल इसमें निकालना है, तो हम लोग इधर वाले में ध्यान नहीं देंगे। तो ये कैसे जुड़ा हुआ है बैटरी के, सीरीज में जुड़ा हुआ है, 6 और 10 16 हो गया। तो इसमें करंट को I VR से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो I VR से भी वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, R कितना हमको मिला, 10 और 6 16। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 एम्पियर, ये I1 का मान हो गया। तो इसको हम लोग इधर साइड में कहीं लिख लेते हैं, I1 बराबर 3/8 एम्पियर, ये हो गया 3/8 एम्पियर। इसके बाद अब इसको जो है डीएक्टिवेट करेंगे, ये वाले सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया 3 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये हो गया 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हो गया लोड रेजिस्टेंस 10 ओम का, और ये हो गया हमारा E1 वोल्टेज स्रोत जो कि 3 वोल्ट का है। और इसको हम लोग क्या करेंगे,
शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको इसके इसको डीएक्टिवेट करना है। सॉरी, हाँ ये शॉर्ट हो गया। अब ये 3 वोल्ट के बैटरी से जो है इसमें कितना करंट जा रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कितना उसमें जो है करंट जा रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बैटरी के एक्रॉस जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ बैटरी का टर्मिनल है ए, ये बैटरी का टर्मिनल है, इसके एक्रॉस कितना रेजिस्टेंस आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए करंट निकलता है, यहाँ से जाते हुए ऐसे ऐसे जाएगा तो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि जो करंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, सबसे छोटा रास्ता उसको चुनता है। तो यहाँ पर देखिए 0 ओम का रेजिस्टेंस है क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, और इधर कितना है 16 ओम का रेजिस्टेंस क्योंकि ये दोनों श्रेणी में हैं। तो करंट इधर ना जाके अपना छोटा रास्ता चुनेगा जिधर रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये करंट इधर से फ्लो होके ऐसे होके इधर से वापस बैटरी में चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसके द्वारा जो करंट जा रहा है इसमें, इस ब्रांच में, इसको मान लेते हैं I2 है, इस ब्रांच में करंट 0 जाएगा क्योंकि सारी की सारी करंट इधर से घूम के पुनः बैटरी में वापस चली जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है और इसका कितना है 16 ओम है। तो यहाँ पर I2 का मान 0 एम्पियर हो गया इस ब्रांच में। तो हमको टोटल करंट निकालना है कि इस ब्रांच में कितना है। तो सुपर पोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि एक स्रोत से भेजा गया करंट और दूसरे स्रोत से भेजा गया करंट का बीजगणितीय योग होता है, जो रिजल्टेंट करंट होता है। तो देख सकते हैं इसके द्वारा जो है 0 करंट जा रहा है, इसके द्वारा जो है 3/8 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो टोटल करंट इस ब्रांच में कितना चला जाएगा, तो टोटल करंट को हम लोग मान लेते हैं आई। तो टोटल करंट हो जाएगा I1 + I2 या I1 - I2 होगा। तो 0 है I2 का मान, तो प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो I का मान जो है टोटल निकल जाएगा यहाँ 3/8 + 0 = 3/8 एम्पियर। इस तरीके से हम लोग जो है सुपर पोजिशन थ्योरम लगा के लोड प्रतिरोध RL में जो है करंट का मान निकाल लिए हैं। अगर हमको इसमें पावर को कैलकुलेट करना है तो P बराबर होता है I2R। तो P बराबर हो जाएगा, I का मान हमको मिला हुआ है 3/8, 3/8 क्योंकि स्क्वायर है। इसके बाद RL का मान कितना है 10 ओम, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको पावर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है सुपर पोजिशन थ्योरम को हम लोग अप्लाई करते हैं किसी सर्किट में। इसके बाद देखिए इसी सर्किट को हम लोग थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करके सॉल्व करेंगे और RL में ही करंट का मान निकालेंगे, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको थेवेनिन प्रमेय से सॉल्व करके देखते हैं। तो थेवेनिन प्रमेय से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, आपको स्टेप फर्स्ट पता होगा। थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करने से पहले जो है हम लोग सबसे पहले उपयोग करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं, जो RL प्रतिरोध होता है उसको अस्थायी रूप से अपने स्थान से हटा देते हैं। तो सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये RL को हटाने पर देखिए ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये हमारा बैटरी 3 वोल्ट का हो गया और यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी हो गया। और ये हमारा जो है रेजिस्टेंस RL अस्थायी रूप से हट गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं ए बी है, ठीक। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, ये ए और बी के बीच में जो है हमको वोल्टेज ज्ञात करना होता है, जिसको हम लोग VTH बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी नियम अप्लाई कर सकते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्टन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किरचॉफ करंट लॉ कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखिए सुपर पोजिशन थ्योरम का ही अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम लोग ए और बी के बीच में वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। तो वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ पर कितना वोल्टेज है इसको ज्ञात करेंगे। तो यही वोल्टेज जो है यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज समान रहेगा क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है।
देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 6 वोल्ट है और यहाँ पर 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट की बैटरी है और 6 वोल्ट की बैटरी, तो ये 6 वोल्ट वाली बैटरी इधर भी करंट फीड करेगी और इधर तो ओपन सर्किट है, इधर करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हमको इधर जो है करंट नहीं, यहाँ वोल्टेज हमको ज्ञात करना है। तो वोल्टेज जो है ये जो 6 वोल्ट लगा हुआ है, यही 6 वोल्टेज यहाँ पर भी एपियर होगा, क्योंकि ये 6 और 3 वोल्ट की बैटरी जो है इसमें ज़्यादा वोल्टेज 6 वोल्ट का है, तो यही वोल्टेज यहाँ पर भी आ जाएगा। तो VTH का मान जो है 6 वोल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद VTH ज्ञात हो गया हमारा, तो RTH को कैसे ज्ञात करते हैं? RTH को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, अगर वो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों के दोनों जो है वोल्टेज स्रोत हैं, तो इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करेंगे तो देखिए सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट हो गया हमारा टर्मिनल्स, ये भी शॉर्ट हो गया और ये भी शॉर्ट हो गया, और यहाँ 6 ओम है और यहाँ पर 3 ओम है। तो अब ए और बी के बीच में हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो ए और बी के बीच में देखिए रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है और फिर यहाँ वापस आ जाएंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है फॉलो करता है। तो जब करंट हमको निकालना होगा, इधर रेजिस्टेंस को भी निकालते, इसमें शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा वहाँ से चलते हैं। तो देखिए यहाँ से चलते हुए 6 ओम का रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ से हम लोग वापस आ जाएंगे। टोटल रेजिस्टेंस हमको इसी के अक्रॉस मिलेगा कितना, 6 ओम का। तो ये हो गया हमारा RTH का मान 6 ओम। तो इसके बाद जो है फॉर्मूला क्या है करंट निकालने का, थेवेनिन प्रमेय का, तो I बराबर होता है VTH अपान RL प्लस RTH। तो I बराबर होता है VTH हमको निकल गया 6 और RL का मान यहाँ पर देखिए, अब RL को यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जो कि 10 ओम था, तो RL का मान 10 ओम और फिर RTH का मान हमको 6 मिला है, तो टोटल निकल गया 6/16। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपरली कट के ये आ जाएगा 3/8 एम्पियर। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है सुपर पोजिशन में भी 3/8 एम्पियर आया था और ये थेवेनिन प्रमेय से भी 3/8 एम्पियर ही आया है। आप नॉर्टन प्रमेय का भी आप अप्लाई करेंगे तो यही 3/8 एम्पियर ही आएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है किसी दूसरे क्वेश्चन पर जो है नॉर्टन प्रमेय या फिर जो है ये सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें हमको करंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके देखते हैं कि 4 ओम के करंट में जो है कितना, 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले, सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम लगा कर। तो आइए देखते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार सबसे पहले किसी एक सोर्स से इसमें धारा निकालेंगे, फिर दूसरे सोर्स से धारा निकालेंगे और दोनों को प्लस या माइनस कर देंगे, जैसे उनकी दिशा होगी उसी के अनुसार हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये 6 वोल्ट के बैटरी को डीएक्टिवेट करके 12 ओम के बैटरी से करंट इसमें कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम लोग 6 वोल्ट के बैटरी को डीएक्टिवेट करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा। ये रहा हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये रहा 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसके बाद ये रहा हमारा 12 वोल्ट का बैटरी और ये 4 वोल्ट वाला शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज स्रोत था, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। इसमें हम लोग मान लेते हैं ये 12 वोल्ट वाला जो है बैटरी इसमें I1 करंट भेज रहा है पहले, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ जो बैटरी के एक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस आएगा सबसे पहले हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फिर V बराबर IR का फॉर्मूला लगाकर यहाँ से बैटरी कितनी करंट निकल रही है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग बैटरी से मान लेते हैं I करंट निकल रही है, तो
सबसे पहले यहाँ बैटरी के अक्रॉस जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के देखिए ये चार ओम कितना है, पैरेलल में है, देखिए दोनों का टर्मिनल पैरेलल में है, चार चार का 2 ओम हो जाएगा और फिर 2 ओम जो आएगा उसके श्रेणी में ये 6 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। तो वो देखिए 6 और 2 का हो जाएगा 8 ओम। तो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस टोटल 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो बैटरी से जो करंट निकलेगी उसको आई बराबर वी बाई आर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वोल्टेज का मान 12 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम आया है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 6/1 मिनट, इसको 4 से काटते हैं, 3/2 एम्पियर, ये हमारा आ जाएगा। ये करंट यहाँ से निकलती है और यहाँ पहुँचती है। तो देखिए यहाँ पर 2 रास्ता मिल जाता है, एक 4 ओम का और एक 4 ओम का। तो इधर भी 4 ओम है, इधर भी 4 ओम है, तो दोनों में करंट समान रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 है तो इसका आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस समान है। तो इसका आधा कर देंगे हम लोग तो I1 का मान हमको निकल जाएगा। हमको इसमें करंट का कैलकुलेशन करना है तो I1 बराबर हो जाएगा 3/2 का आधा करना है क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर समान है, इसलिए दोनों में बराबर बराबर करंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये करंट डिवीजन से आप भी करंट डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3/4 एम्पियर। इसकी दिशा किधर है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के ही आगे बढ़ती है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा I1 का मान। इसी तरीके से जो है ये I1 हो गया हमारा। इसी तरीके से अब बैटरी, ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है इसको एक्टिवेट करेंगे, इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो आइए देखते हैं तब परिपथ कैसा बनेगा। रेजिस्टेंस ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसको डीएक्टिवेट करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज स्रोत है। ये हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें करंट कैलकुलेट करना है और ये रहा 6 वोल्ट की बैटरी, इसको अब एक्टिवेट करेंगे। तो मानते हैं यहाँ से करंट I- निकल रहा है और इसमें I2 करंट इसमें आ रहा है, ये हमारा 4 ओम का है। तो फिर से यहाँ पर इस बैटरी के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस टोटल आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए ये 6 और 4 को जो है पैरेलल में करेंगे, 6 4 का पैरेलल, 6 पैरेलल 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 6×4/6+4, इसका मान आ जाएगा 24/10। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.4, लेकिन हम लोग भिन्न के रूप में ही रखेंगे, इसका मान आ जाएगा 12/5। 12/5 आ गया। ये हमारा रेजिस्टेंस कहाँ से, ये दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ है। अभी हमको ये 4 ओम को और ऐड करना पड़ेगा तब जाके बैटरी के क्रॉस प्राप्त होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो 12/5+ ये 4 रेजिस्टेंस जो 4 ओम का है ये इसके श्रेणी में जुड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12+20, आर बराबर आ जाएगा 32/5 ओम। ये हो गया 32/5 ओम इसके क्रॉस। अब जो है टोटल रेजिस्टेंस हमको निकल गया है। अब ये I- का मान हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, I- जो इस बैटरी से निकलता है, I- को कैलकुलेट करने के लिए V/R को लगाएंगे। V वोल्टेज का मान 6 है, R का मान हमको 32/5 मिला हुआ है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, I- का मान आ जाएगा 30/, ये ऊपर चला जाएगा 30/32। इसको सॉल्व करेंगे फिर से तो ये हो जाएगा I- का मान 15/16 एम्पियर। ठीक, ये 15/16 एम्पियर आ गया। ये यहाँ से निकलेगा, देखिए दोस्तों 15/16 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा। यहाँ आते हुए यहाँ 2 भाग में डिवाइड होगा, 4 ओम में और 6 ओम में। तो हमको 4 ओम में करंट चाहिए, इसकी भी डायरेक्शन ऊपर से ही नीचे होगी। तो 4 ओम में करंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर निकालते हैं करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, टोटल करंट 15/16 है। इसके बाद हमको 4 ओम का रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस रखेंगे ऊपर में 6। इसके बाद दोनों रेजिस्टेंस का योगफल 6+4, ये 10 ओम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 90/16 और यहाँ पर 10, ये कट होगा तो आ जाएगा हमारा 9/16 एम्पियर। ये करंट I2 का मान हो गया, इस करंट का मान I2। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों करंट, ये I1 इधर से I1 गया था और इधर I2, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमको 4 ओम के रेजिस्टर में टोटल करंट निकलना होगा। तो I इसको मान लेते हैं I3, टोटल करंट का मान इसमें, तो ये हो जाएगा I1+I2। तो I1 का मान हमारा मिला था 3/4 एम्पियर और फिर I2 का मिला हमको 9/16 एम्पियर। यहाँ पर देख सकते हैं I3 का मान I1+I2, I3 जो है ये टोटल इसका I2 और ये I1 का योगफल होगा जो 4 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। तो इसको जो है जोड़ेंगे हम लोग, 16 आ जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ पर 3, 4+9, इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 12, 9, 21 हो जाएगा, 21/16 एम्पियर टोटल करंट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है सुपर पोजिशन की सहायता से किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी ब्रांच में जो है करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक जंक्शन पर करंट जो है ढेर सारी करंट आके मिल रही हैं, कुछ करंट आ रही हैं, कुछ करंट जा रही हैं। ये जो है हमारा किरचॉफ के करंट लॉ पर सॉल्व होगा, तो इसमें हमको I का मान कैलकुलेट करना है कि ये I का मान कितना होगा। तो I के मान को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो जो किरचॉफ का करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार आने वाली धारा संधि के पास आने वाली धारा का योग जाने वाली संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होती है। योग बराबर जाने वाली धारा का योग। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आने वाली धारा, सबसे पहले आने वाली धारा को एक तरफ रखेंगे, जाने वाली धारा को एक तरफ। तो आने वाली संधि की तरफ यहाँ पर आने वाली धारा कितनी है, सबसे पहले यहाँ चलते हैं, 3 एम्पियर हो गया, ये 4 एम्पियर हो गया, प्लस फिर से 3 एम्पियर, फिर ये भी धारा आ रही है प्लस I। इसके बाद जो है जाने वाली धाराएँ कितनी हैं, यहाँ 9 एम्पियर है, फिर इसके बाद 2 एम्पियर है, फिर इसके बाद ये एक 6 एम्पियर है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इसको ऐड करेंगे, 4 3 7, 7 3 10 प्लस I हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 2 11, 11 और 6 17। इसके बाद I को जो कैलकुलेट करेंगे, 17 - 10 I बराबर 7 एम्पियर, ये हमारा I कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किरचॉफ के करंट लॉ को भी समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये किरचॉफ के करंट लॉ पर आधारित एक प्रश्न था। तो इस तरीके से दोस्तों और भी प्रश्न हैं जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर ये सेशन पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।